कृष्णा राधे राधे माधव कृष्ण में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ ठाकुर जी के लिए प्यारा सा पहुँचो पहुँचो के साथ में कैप तो आज मैं यही आपको बनाना बताऊँगी आपको दो साइज यहाँ पर दिखाई दे रही है ये हमारे चार नंबर और पाँच नंबर गोपाल जी का और ये छः नंबर गोपाल जी का आपको मैं छः नंबर गोपाल जी का बनाना बताऊँगी पहुँचो के साथ में कैप पहुँचो विद कैप बनाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूं जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी ये देखिए प्यासा यहाँ पे पहुँचो है अब पहुँचो के साथ हमने इसे तीन कलर की वूल लगाइए जो कि रेड कलर की ग्रीन कलर की और यहाँ पे ये लाइट कलर का पीच कलर है तो इस तरीके से बनाने के बाद ये आपको मैंने वूल दिखाई और ये देखिए ठाकुर जी का इसमें जो रो है यहाँ पे देखिए जैसे वन टू थ्री और ये फोर जैसे फोर रो बनी हुई है और यहाँ पे इसमें फाइव रो बनी है यहाँ पे जैसे रेड बने छोड़ दिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव रो यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर इस तरीके से और ये सिक्स वाली रो है तो ये हमारे छः नंबर गोपाल जी का जैसे मैंने आपको बताया और ये चार और पाँच है इससे फ़र्क इतना होता है कि इसमें दो स्टिच का फ़र्क होता है दो चेन का फर्क होता है ये ट्वेंटी एट चेन से नेक्स्ट से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पर इसमें जो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर थर्टी चेन का है तो ये कि डिफ्रेंस आपको दिखाई दे रहे हैं आइए पहुँचो विथ कैप बनाना शुरू करते हैं तो आइए कैप वाला पौचा बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखिए मैंने वूल ले लिए और यहाँ पे नोट लगाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए नोट लगाएंगे नोट कैसे लगाते हैं इस तरीके से करने के बाद इस रिंग के अंदर से ये देखिए हमने नोट लगा लिया नोट लगाने के बाद यहाँ पर चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरीके से यहाँ पर थर्टी चेन बनानी है तो देखिए मैंने यहाँ पे तीस चेन बना लिया इस तरीके से बनाने के बाद हमें ये देखिए तीस चेन के इस तरीके से हमें पकड़ना है इसको इस तरीके से राउंड से घुमाना है सीधा करके इसमें कोई मोड़ नहीं आना चाहिए करने के बाद ये जो यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन है फर्स्ट वाली चेन में इस तरीके से कुरश को डालेंगे डालने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए ये हमने लूप लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से निकाल दिया तो निकालने के बाद ये देखिए ये जो हमारे रिंग बन गया है रिंग बनने के बाद ये हमारा इतना रिंग होना चाहिए जो कि हमारे ठाकुर जी की नेक पर ईजिली आ जाए आने के बाद थोड़ा सा लूज होगा तो डोरी से टाइट हो जाएगा लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए इस तरीके से करने के बाद ये आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं एक दो स्टिच कम या ज़्यादा तो देखिए मैं आपको बनाने का पैटर्न बता रही हूँ अब क्या करना है ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया करने के बाद ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो वन टू थ्री थ्री मैंने चेन बनाई थ्री चेन बनाने के बाद यहाँ से लूप लेंगे और इस तरीके से इस चेन में से ये जो हमारी फर्स्ट वाली चेन थी इसी में से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे वन एक डबल क्रोशिया हमारा ये वाला है चेन वाला एक डबल क्रोशिया ये है दो डबल क्रोशिया हो गए एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे यानी कि तीन डबल क्रोशिया हमारे पास हो गए हैं अब वन टू दो हमने चेन बनाई फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन के अंदर से तो देखिए इस चेन के अंदर से फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू एंड थ्री छीट है हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाया तो ये देखिए तीन डबल क्रोशिया हमारे इधर है और तीन डबल क्रोशिया इधर है यानी कि एक जो तीन की चेन थी उसको हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे बीच में हमने दो चेन बनाई है करने के बाद अब क्या करना है ये देखिए यहाँ से जो फर्स्ट चेन स्टार्ट होगी यहां से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से हम चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे ये डबल क्रोशिया हमें इतनी दूरी तक बनाना है ये देखिए जो कि इसका हाफ पार्ट है यहां तक जिसका हाफ पार्ट है, यहां तक बनाएंगे यानी कि हमारे पास ये तीन, तीस चेन थी तो तीस चेन में से हमें फोर्टीन टाइम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे जो फिफ्टीन होगा यहां पर फिर से हमें ऐसे बनाना तो मैं पहले यहां तक बना लेती फिर आगे बताती हूँ क्या करना है तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस तरीके से ये मैंने सभी चेन में से डबल क्रोशिया बना लिया तो एक साइड हमने डबल क्रोशिया बना लिया तो अब क्या करना है ये यहाँ पर सेंटर में एक बार काउंट कर लेना चाहिए क्योंकि काउंट करने से पता चल जाएगा हमारे ने कितनी बनाई है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन मैंने फोर्टी डबल क्रोशिया बना लिया फोर्टीन चेन हमने इस्तेमाल कर लिया अब क्या करना है ये फिफ्टी वाली ये जो फिफ्टीन वाली यहाँ पर चेन है इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरीके से देखिए मैंने डबल क्रोशिया बनाया वन टाइम फिर इसी चेन में से बनाएंगे टू टाइम इसी चेन में से हमें दोबारा से बनाना है ये टू एंड थ्री ये देखिए थ्री थ्री हमने बनाए इसके बाद हम यहाँ पे चेन लेंगे वन टू टू हमने चेन ली टू चेन लेने के बाद फिर से हम इसी चेन में से ये देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू एंड थ्री थ्री डबल क्रोशिया हमने फिर से बनाए देखो तीन हमने इधर डबल क्रोशिया बनाए और बीच में दो चेन लिए फिर से तीन डबल क्रोशिया फिर एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर इस साइड से भी डबल क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया जितनी हमारी चेन स्टिच है सभी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहां तक मैं डबल क्रोशिया बना के फिर आगे दिखाती हूँ आपको तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था मैंने इस साइड भी यहाँ पे सभी चेन में से डबल क्रोशिया बना लिया बनाने के बाद ये देखिए देखने को इस तरीके से दिखाई देगा इस तरीके से बनने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे एक चेन बनानी होती है फिर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे जैसे कि हम यहाँ पे तीन तीन यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हैं तो एक एक चेन बनाती हैं तो एक एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे तो पहले इसको मैं ज्वाइंट कर देती हूँ ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया करने के बाद इसी तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर इस तरीके से इसको हम सेंटर में लेकर आएंगे तो देखिए हम सेंटर में लेकर आ गए अब क्या करना यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे सेकेंड रो हमारी स्टार्ट हो गया वन टू थ्री थ्री हमने चेन बनाई ये देखिए ये हमारा वन क्रोचेट काउंट होगा ये टू और ये थ्री थ्री हमने यहाँ पर इस तरीके से डबल क्रोशिया बन गया एक हमने इसको काउंट करते हुए वन टू एंड थ्री दो चेन बनाएंगे वन टू टू चेन बनाने के बाद यहाँ पर सेंटर में इसी जगह से इसी लूप के अंदर से वन डबल क्रोशिया टू एंड थ्री थ्री टाइम हमने डबल यानी कि टोटल हमने सिक्स डबल क्रोशा हमारे इस लूप के अंदर से बना लिए अब क्या करना है चेन वन चेन बनाएंगे वन चेन बनाने के बाद से ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर यहां से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे ये देखिए इस तरीके से अब जितनी ये चेन स्टिच है यहां पर हम अपना डबल क्रोशा बनाएंगे ये देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये देखिए ये हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो गया इस तरीके से यहाँ पर जितनी यहाँ पर चेन स्टिच है सभी के अंदर से हम हाँ यहाँ पर वन वन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन लेंगे फिर यहाँ पर इस तरीके से बनाने के बाद पहले मैं यहाँ तक बना लेती फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना है तो देखिये मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस तरीके से सभी चेन में से मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो आप हमें क्या करेंगे एक चेन बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद इस तरीके से लूप लेंगे ये जो सेंटर यहाँ पे तीन स्टिच है हमारे इनको छोड़ते हुए ये स्किप करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे ये वन टू एंड थ्री थ्री हमने डबल क्रोशिया बनाया फिर वन टू इस तरीके से टू एंड थ्री थ्री हम चेन बनाएंगे ये देखिए बनाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से फिर से हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू एंड थ्री देखिए हमें यहाँ पे इस तरीके से हमने फर्स्ट रो में यहाँ पे दो चेन ली थी इस रो में मैंने यहाँ पे तीन चेन लिए दो या तीन चेन ले सकते हैं तो इस तरीके से ये देखिए ये सेकंड राउंड में तो मैंने यहाँ पे तीन चेन लिए तो इस तरीके से करने के बाद ये तीन डबल क्रोशिया बनाए तीन चेन ली फिर तीन से तीन डबल क्रोशिया बनाए अब एक चेन लेंगे ये देखिए एक चेन ली अब क्या करना है ये देखिए तीन हम क्रोशिया इसको स्किप करेंगे हमारे वन टू थ्री एंड ये क्रोशिया डबल क्रोशिया इनको स्किप करेंगे और यहाँ पर ये देखिए इसके साथ में जो है यहाँ से हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे डबल हमने इस तरीके से। फिर सभी चेन में से हम डबल क्रशे बनाएंगे देखिए इस तरीके से सभी चेन के अंदर से हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरीके से तो ये रो मैं इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक जैसे कि हमारा है कि सभी चेन में से डबल क्रोशिया बनाते हूँ यहाँ पर एक चेन लेंगे और यहाँ पर इसी तरीके से ज्वाइंट कर देंगे तो ये रो मैं इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ क्या करना है तो ये देखिए मैं यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइंट कर लीजिए इस रो को लास्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किया तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस तरीके से देखिए इसकी शेप बन रही है तो इस तरीके से पहुँचो कि शेप बन रही है बनने के बाद ये मैंने आपको दिखाया जैसे कि मैंने फर्स्ट रो में किया था आप स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे और इसके सेंटर में आएंगे तो ये देखिए इस तरीके से सेंटर में आना होता है तो ये हमारी दो रो पूरी कंप्लीट हो गई है तो देखने को इस तरीके से पाँचों का शेप बन गया अब क्या करना है हमें नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है तो नेक्स्ट रो के लिए वन टू थ्री थ्री छीन बनाई यहाँ से फिर से डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया वन टू थ्री थ्री चीन हमने बनाई है फिर से वन टू एंड थ्री थ्री फिर से डबल क्रोशिया देखिए इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे सेंटर होता है सेंटर में इस तरीके से बनाया जाएगा और एक चेन बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद यहाँ से इस जगह पर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे ये डबल क्रोशिया और यहाँ पर चेन जो स्टार्ट होती है यहीं से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देते हैं देखिए इस तरीके से बनाते हुए ये देखिए हमारी थर्ड रो स्टार्ट हो गया जैसे कि मैंने थर्ड रो स्टार्ट किया ये देखिए जैसे हमने थर्ड रोज स्टार्ट की इसी तरीके से यह जो सेम पैटर्न हमारा इस साइड भी आता है तो सेम सेम पैटर्न दोनों साइड होता है और इस साइड इस साइड दोनों भी सेम होता है हमें क्रोशिया बनाना होता है हर चेन स्टिच में से बनाना होता है लेकिन हमारा एक एक क्रोशिया इधर बढ़ जाते हैं एक एक क्रोशिया ये देखिए जैसे हमने इस वाले हुक्म से एक बनाया और यहाँ पर बनाया तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया बढ़ जाता है इधर भी बढ़ जाता है इसी तरीके से करते हैं ये प्रोसेस मैं एक ये रो करूँगी इसके बाद एक रो करके कंप्लीट फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ फिर देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी पहुँचो कि हमारी कितनी रो बन गई है हमारी बन गई यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर फोर रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है तो देखने कुछ इस तरीके से पहुँचो की शेप आ गई है अब क्या करना है हमें इसमें दूसरी कलर की वूल ऐड करनी है तो यहाँ कैसे करेंगे आइए मैं आपको ऐड करना दिखा देती हूँ ये देखिए हम ग्रीन कलर के वूल को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखिए ये हम सेंटर में आके सेंटर में आने के बाद यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे ये देखिए इसी लूप में हमने यहाँ पर इस तरीके से वूल को ले लिया लेने के बाद ये देखिए इस तरीके दे से ये जो पिंक वाली वूल है इसको हम टाइट कर देंगे इस तरीके दे से ये हमने टाइट कर दिया और इस तरीके से वूल को यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए ये देखिए ग्रीन कलर को मैं ऐड करूंगी तो यहाँ पे ये यह हमने चेन बना ली वन वन हमारी थी टू एंड थ्री थ्री हमने चेन बनाई थ्री चेन बनाने के बाद यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे ये वन क्रोचेट हमारा काउंट हो गया वन टू एंड थ्री थ्री हमने ये देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लिया वन टू थ्री थ्री हमने चेन बनाई फिर से लूप लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे टू एंड थ्री थ्री हमने डबल क्रोशा यानी कि तीन डबल क्रोशिया हमने इधर बनाए और तीन इधर बनाए अब पीछे बनाइए चेन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है ये देखिए ग्रीन कलर से हम सेम प्रोसेस करेंगे इस तरीके से ये देखिए ये हमने एक चेन लिए एक चेन लेने के बाद हमें क्या करना है यहाँ से लूप लेते हुए ये देखिए यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया फिर यहाँ से इसके साथ चेन से स्टार्ट करेंगे चेन से हम स्टार्ट करेंगे डबल ये देखिए इस तरीके से जो प्रोसेस हमने पर इस वाली वूल से किया था तो सेम प्रोसेस हम इस वाली वूल से भी करेंगे तो ग्रीन कलर से मैं ये राउंड में पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरीके से ये वाला ग्रीन कलर की रो भी हमारी कंप्लीट हो गया कंप्लीट होने के बाद देखने कुछ इस तरीके से दिखाई दे तो रही है तो हमारी टोटल रो हो गई है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव रो हमारी कंप्लीट हो गई है अब हमें करना है अब हम यहाँ पे नेक्स्ट रे में नेक्स्ट रो में दूसरी कलर की ऐड करेंगे तो आइए रेड कलर का मैं यहाँ पे बोल ऐड कर लेती हूँ तो देखिए हम यहाँ पर रेड कलर के बोल को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहीं पर मैंने जगह पर ही स्लिप स्ट से इसको ज्वाइंट कर दिया हम यहाँ पर हमने इसको आगे तक नहीं लेकर गए तो यहीं पर हमें रेड कलर के वूल को ज्वाइंट करेंगे तो इस तरीके से देखिए ज्वाइंट जैसे मैं हमेशा करती हूँ इसी तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं ग्रीन कलर के वूल को मैं थोड़ा टाइट कर लेती हूँ ये देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसको टाइट कर दिया यहीं से हम क्या करेंगे अब चेन बनाएंगे देखिए चेन बनाएंगे वन टू थ्री देखिए हम तीन चेन बना ली तीन चेन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है इस तरीके से ये क्रोशिया हमारा होकर इस जगह से इस तरीके यहाँ से निकालेंगे एक पार्ल वजह से हमें बनाना होता है इस तरीके से बनाने के बाद ये देखिए ये पार्ल हमने बनाया और यहाँ पर इसको ज्वाइंट करेंगे ये सिंगल स्टिच से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे नेक्स्ट में फिर आ जाएंगे इस तरीके से नेक्स्ट में आ गए यहाँ पर ये देखिए एक में हमने ज्वाइन किया एक में हम यहाँ पर नेक्स्ट में आ गए तो अब हम क्या करना वन टू थ्री थ्री हमने चेन बनाई थ्री चेन बनाने के बाद इस तरीके से ये यह देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको पिक करते हुए इस तरीके से ये देखिए दोनों को एक कर देंगे करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से क्योंकि ये यह चीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो इस तरीके से यहीं पर हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं ये हमने सिंगल स्टिच से इसको ज्वाइंट कर दिया अब फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे ये रेड कलर के भूल को हम साथ साथ इस तरीके से दबा देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से बनी रहे ये देखिए इस तरीके से करने के बाद एक हमें ज्वाइंट करते हैं एक में हम यहाँ पे वन टू थ्री थ्री चीन बनानी होती है थ्री चीन बनाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे पर्ल बनाना होता है ये देखिए पर्ल इस तरीके से बनाएंगे और दोनों को एक कर देंगे एक करने के बाद यहाँ पर इसको ज्वाइंट करेंगे ये देखिए सिंगल स्टिच से यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे ये देखिए वन टू तो, थ्री थ्री हमने चेन बनाई फिर से क्रोशे को इस तरीके से डालेंगे और यहाँ से इस तरीके से पिक करते हुए दोनों को एक कर देंगे देखिए इस तरीके से कर यहाँ पर इस तरीके से इसको ज्वाइंट करेंगे फिर नेक्स्ट में जाएंगे नेक्स्ट में इस तरीके से ज्वाइन करते हैं वन टू थ्री थ्री बनाएंगे। बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत ही खूबसूरत सी इस तरीके से इसकी आउटलाइन तैयार हो जाएगी हमें एक में बनाना होता है एक में हमें ज्वाइंट करना होता है वन टू थ्री थ्री हमें चेन ली चीनने के बाद यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया को डालते हुए ये देखिए हमने रेड कलर के बूल को पिक किया उसके बाद दोनों को एक किया एक करने के बाद यहाँ पर इस चेन स्टिच में हम इसको ज्वाइंट करेंगे नेक्स्ट में फिर से जाएंगे और दोनों को एक करने के बाद फिर इस वाले हमें इसमें ज्वाइंट करना है इसमें हमें बनाना है वन टू थ्री देखिए इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ बनाया ये देखिए देखने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये पूरी आउटलाइन मुझे इसी तरीके से पूरी कंप्लीट करनी है मैं कर यहाँ तक करके आपको फिर दिखाती हूँ तो ये देखिए जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पे मैंने रेड कलर की आउटलाइन पूरी कंप्लीट करे तो ये पर्ल इस तरीके से तैयार हो गए हैं जैसे एक में हमने बनाया एक में ज्वाइंट किया एक में बनाया एक में ज्वाइंट किया तो इस तरीके से यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तो लगने के बाद ये देखिए पूरा लुक मैं आपको दिखाना चाहूँगी तो रेड ग्रीन का यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया ये यहाँ पर इस तरीके से ये रो हमारी कंप्लीट हो जाती है अब हमें क्या करना है इसे कैप बनानी तो कैप कैसे बनाएंगे आइए मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ तो देखिए पोचों पे हम कैसे कैप बनाएंगे सेम इस कलर की हम यहाँ तो पे कैप बनाएंगे तो कैप कैं से स्टार्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से भी आप पोचों को रख सकते हैं पहुँचो इसी तरीके से भी पहनाया जा सकता है और आप चाहो तो कैप बनाना सीख सकते हैं तो आइए मैं कैप बनाने में भी बता देती हूँ तो यहाँ से हम देखिए यहाँ से जैसे ये रखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे अपनी वूल को ये देखिए तो ये वूल को हम यहाँ से ज्वाइंट कर ले तो ये देखिए हाफ पार्ट से ये देखिए हम यहाँ से ज्वाइंट करना शुरू करते हैं तीन चेन बनाएंगे ये मैंने यहाँ पे तीन चेन बनाई तीन चेन बनाने के बाद यहीं से हम अपना स्टार्ट करते हैं वर्क तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर डबल क्रशे बनाया डबल क्रशे बनाने के बाद ये देखिए इस जगह से हर हर चेन स्टिच के साइड साइड से हम यहाँ पर डबल क्रशे बनाएंगे ये वन वन टाइम हम यहाँ पर डबल क्रशे बनाएंगे ये जो वूल है इसके साथ साथ हमें इसी तरीके से रखेंगे जो कि फिनीशिंग अच्छे से आ जाए हमें बाद में एडजस्ट ना करना पड़े तो ये देखिए इस तरीके से वन वन टाइम हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया तो देखिए सभी चेन स्टिच में से डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से देखिए अब हम हम यहाँ सेंटर में आ गए तो सेंटर में इस तरीके से बनाएंगे देखिए यहाँ तक हमने बनाया अब क्या करना है सेंटर में बनाना तो इस तरीके से क्रोशो को यहाँ सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से निकालते हुए ये देखिए ये डबल क्रोशिया बनाया एक बार बनाया एक बार और फिर यहीं से बनाएंगे इसी जगह से हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए टू टाइम मैंने डबल क्रोशिया बनाया ये जो दो तीन तीन हमारे क्रोशिया इन, इनको इसी तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसी तरीके से करने के बाद यहाँ से इसको बनाएंगे फिर ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया और सभी जगह से हम वन वन टाइम बनाएंगे और सेंटर में वैसे मैं मैंने यहाँ पर दो बार बनाए तो इस तरीके से फिर से हम डबल क्रोशिया दूसरी साइड आ गए तो वन साइड हमारी कंप्लीट होगी हम दूसरी साइड इस तरीके से आ गए हैं तो बनाते है, बनाते हैं हमें इतनी बनाना है जहाँ तक जैसे कि इसकी साइड हो बिल्कुल बराबर इसको मापते हुए इस तरीके से मापते हुए यहाँ तक हमें डबल कोशा बनाना है तो ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस तरीके से यहाँ पे कैप के मैं लास्ट में आ गई मैं आपको दिखाना चाहूंगी कहाँ से कहाँ तक मैंने बनाया इस तरीके से हम इसको की देखिए इस तरीके से हम माप लेंगे तो ये देखिए दोनों बराबर हैं यहाँ से यहाँ तक जो ओपन है वो भी इस तरीके से बराबर जहाँ तक हमने बनाया वो भी इस तरीके से बराबर है तो इस तरीके से बनाने के बाद मैं पूरा काउंट करके दिखाती हूँ कितने हमारे स्टिच बने हैं टोटल तो मैं एक बार अकाउंट कर देती हूँ देखिए यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी यानी कि टोटल हमारे पास ट्वेंटी स्टिच हमने डबल क्रोशिया बना लिया बनाने के बाद ये हमारी फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गया देखिए बनने के बाद अब हमें सेकेंड रो बनाने सेकेंड रो के लिए यहाँ पे वन टू थ्री थ्री हमने चेन बनाई इसी तरीके से यहाँ से टर्न करेंगे तो सेकेंड रो के लिए इस तरीके से टर्न कर लेंगे और यहाँ से जो फर्स्ट चेन स्टिच है यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए वन टू तो जितने हमारे टोटल ये डबल क्रोशिया हमने बनाए इन सभी के ऊपर हम यहाँ पर ये रो बनाएंगे इसके ऊपर टोटल मैं चार रो बना के आपको दिखाती हूँ एक रो बन गई है तीन रो मैं टोटल बना के आपको फिर दिखाती हूँ तो ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी मैंने कितनी रो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है तो देखिए मैं आपको टोटल जो रो रो है मैं काउंट करके दिखा देती हूँ ये वन टू थ्री फोर फाइव फाइव रो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया तो इस तरीके से ये देखिए इतना कैप की हाइट बहुत है हमारे लिए अब क्या करना है ये देखिए जैसे कि यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना होता है इस तरीके से उल्टा इसको हम करेंगे ये देखिए उल्टा मीन्स इस तरीके से पलटेंगे ये देखिए ये हमने पलट दिया पलटने के बाद ये देखिए इस तरीके से या तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसको लॉक कर दें और यहाँ पर नीडल्स इसको स्टिच कर लें या फिर हम इस तरीके से दूसरा जो क्रोशे से हमें करना होता है पैटर्न वो इस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ से इस तरह से क्रोशिया निकाला यहाँ से निकालने के बाद ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया फर्स्ट ये देखिए ज्वाइंट हो गया है फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे कर लिया ये जॉइंट होने के बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या होगा यहाँ से इस तरीके से करोशे को निकालते हुए ये देखिए एक साइड से निकाला फिर दूसरी साइड से निकालेंगे और इस तरीके से लूप को लेते तो हुए यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए इसको ज्वाइंट कर देंगे तो फिर से इस तरीके से करोशे को निकालेंगे फिर दूसरी साइड निकालेंगे तो और निकालने के बाद इस तरीके तो से तो ये देखिए ये चेन स्टिच करनी होती है इस तरीके से चेन स्टिच कर कह सकते हैं स्लिप स्टिच कर सकते हैं तो ये इसको इस तरीके से करने के बाद ये देखिए यहाँ से निकालते हुए सिंपल इजी तरीके से ज़्यादा टाइट नहीं करना होता ताकि ये ना हल्के हाथों से करना होता है यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे मैंने ये रो पूरी कंप्लीट कर दी और यहाँ पे इसको लॉक करके इसको कट कर देते हैं तो आइए पहले मैं कट कर देती हूँ सबसे पहले इस तरीके से हम देखेंगे कि अच्छे से पक्का ज्वाइंट हो गया या कहीं से भी बीचे नहीं देखिए ज्वाइंट ओपन नहीं है तो मैं कट कर देती हूँ फिर इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ ये देखिए अच्छे से देखिए सीधी साइड देखिए बिल्कुल अच्छे से बहुत ही अच्छे से पक्का हो जाता है पक्का होने के बाद ये देखिए कैप का लुक ये इस तरीके से कैप का लुक है आप पीछे से देखिए अब क्या करना है यहाँ पे जैसे ये रेड कलर की आउटलाइन है इसी तरीके से यहाँ पर भी आउटलाइन करेंगे तो रेड कलर की वूल को हमें ज्वाइन कर लेते हैं फिर इसको आगे कहाँ से हमें ज्वाइन करना है ये मैं आपको बता देती हूँ तो ये देखिए रेड कलर की जो मुझे वूल ज्वाइन करनी है मैं यहाँ से ये देखिए कैप का जो ये यहाँ पर ये वाली साइड है यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे इस जगह पर ये देखिए हम यहाँ पे इसको जो वूल को ज्वाइन कर दिया ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे एक चेन और बनाएंगे इससे पक्का हो जाएगा करने के बाद एक चेन और बनाएंगे इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने सिंगल स्टिच किया अब क्या करना है वन टू थ्री थ्री हम चेन बनाएंगे थ्री चेन बनाने के बाद इस करोशियो को जैसे हमने बाहर की आउटलाइन की थी सेम इसी तरीके से कैप की यहाँ पे बाउंड्री बनाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से करने के बाद ये देखिए हमने पिक किया दोनों को एक कर दिया एक करने के बाद यहाँ पर इस जगह पर इसको फिर से सिंगल स्टिच करेंगे सिंगल स्टिच करने के बाद साथ में फिर से इसको सिंगल स्टिच करेंगे ये देखिए फिर वन टू थ्री थ्री हमने चेन ली और यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए इसको फुल को पिक करेंगे और इन दोनों को एक कर देंगे एक करने के बाद फिर यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे सिंगल स्टिच सेम इसी जगह हम दोबारा से फिर सिंगल स्टिच कर देते हैं इस तरीके से फिर वन टू थ्री थ्री चेन ली फिर यहाँ पर इस तरीके से वुल को पिक किया दोनों को एक किया और इस तरीके से नेक्स्ट जो क्रोशिया है यहाँ पर ये यह जो हमारा स्टिच बनाता है तो इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाता है इसी में यहाँ पे क्रोशिया को निकालेंगे और इसको यहाँ पे सिंगल स्टिच करेंगे फिर एक बार फिर सिंगल स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पर वन टू थ्री देखिए इसी तरीके से हम ये पर्ल बनाते जाएंगे देखिए इसी तरीके से पार्ल बनाएँगे देखिए यहाँ पर फिर से इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर सिंगल स्टिच करेंगे तो देखिए एक साइड मैंने बना लिया तो दूसरी साइड भी मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे वन साइड मैंने यहाँ परल बनाए थे दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पे पर्ल बना लिया अब क्या करना है ये देखिए यहाँ पर हम पर्ल नहीं बनाएंगे यहाँ पर सिंगल स्टिच करें तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए सिंगल स्टिच करेंगे ये देखिए जितने हमारे क्रोशिय सभी क्रोशियों से इस तरीके से निकालेंगे और सिंगल स्टिच करेंगे तो देखिए जैसे कि हम सिंगल स्टिच बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाते हुए यहाँ पर ये देखिए सिंगल स्टिच है ये देखिए यहाँ पर ये लास्ट है इसमें पहले मैं बना लेती हूँ ये देखिए बनाने के बाद यहाँ पे ये तीन तीन के बंच जो हमने बनाया तीन तीन डबल क्रोशिया बनाए थे इसके सेंटर में एक बार सेंटर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे सॉरी सिंगल स्टिच बनाएंगे सिंगल स्टिच बनाने के बाद तीन यहाँ पर स्किप करेंगे फिर यहाँ पर इस तरीके से सिंगल स्टिच बनाएंगे तो देखिए हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में आने के बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे तो ये यह हम यहाँ पे स्लप स्टिच किया और यहाँ पे ये यह ज्वाइंट कर दिया और नॉट लगा देंगे तो देखने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है देखिए कैप के यहाँ पर हमने यहाँ पे पर्ल बनाए और यहाँ पर हमने सिंगल स्टिच किया तो पहले वूल को मैं कट कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ इसको फिनिश करके तो देखिए मैंने रेड कलर की वूल को कट कर दिया कट करने के बाद जो इसकी वूल मैंने कट की है इसको इस तरीके से फिनिशिंग कर दिए फिनिशिंग करने के बाद देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये यहाँ पे जो पहुँचो बनाया कैप वाला ये बैक साइड थी और फ्रंट साइड थी ये बैक साइड है इसकी और ये फ्रंट साइड है तो इस तरीके से ये देखिए पार्ल कितने खूबसूरत और कितने प्यारे लग रहे हैं इस तरीके से आउटलाइन और यहाँ पे पार्ल नहीं बनाई यहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी आउटलाइन की है करने के बाद अब क्या करें इसमें डोरी बनानी है तो आइए डोरी हम इस कलर की बनाएंगे तो ये देखिए मैं पहले वूल ले लेती हूँ आप कोई भी कलर की इसमें डोरी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें ये वाले कलर की डोरी डालूंगी तो इस से तरीके से कैसे डोरी बनानी होती है ये देखिए बहुत ही ईजी तरीके से डोरी बनाई जाती है जैसे कि सबसे पहले हम चेन बनाते हैं उसके लिए नॉट लगाते हैं ये देखिए नॉट बनाई इस तरीके से और यहाँ पर चेन बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से सिंपल सिंपल चेन बनानी होती है और इसी तरीके से मैं बहुत एक लंबी सी चेन बनाकर आपको फिर दिखाती हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से चेन की एक डोरी बना दी लंबी सी डोरी बना दी इस तरीके से डोरी बनाने के बाद इस डोरी को हम यहाँ पे नेक पे डाल देंगे तो इस तरीके से कैसे डालेंगे आप क्रोशी से भी डाल सकते हैं और निडल से भी डाल सकते हैं तो आइए पहले मैं इसको डाल के फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए मैंने डोरी यहाँ पर डाल दी इस तरीके से यहाँ पर एक एक जो हमारा डबल क्रिश है इस तरीके से उठाते हुए मैंने एक दबाया एक उठाया तो इस तरीके से दो दो करके भी कर सकते हैं और तीन तीन करके भी कर सकते हैं लेकिन मैंने वन बाय वन इस तरीके से करने के बाद ये पूरे में इस तरीके से राउंड राउंड नेक पर डाल दिया डालने के बाद ये देखिए डोरी हमारे फ्रंट पर आ गई लेकिन डोरी क्या ये इस डोरी को हम ऐसे खाली ना रख के हम क्या करेंगे इसमें इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे डिज़ाइन कैसे बनाएंगे आइए मैं वो आपको बता देती हूँ बहुत सुंदर सा प्यारा डिज़ाइन डोरी में बना होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है तो अब क्या करेंगे इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया कहाँ पर इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले ये हमारे पास चेन बनी हुई है चेन बनी हुई है तो एक दो चेन और एक्स्ट्रा थोड़ा बना लेती हूँ मैं बनाने के बाद यहाँ पर इस चेन स्टिच में यानी कि वन टू थ्री थ्री हमने स्किप किए और यहाँ पर जो फोर्थ वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर क्रोशिया डालते हुए ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया इसी चेन में से फिर से हम डबल क्रोशिया हमें अब इसी चेन में से डबल क्रोशिया बनानी है ये देखिए इसी चीन स्टिच में से इतनी हमें डबल क्रोशिया बनाने ताकि हमें ये पूरा राउंड राउंड गोल गोल बन जाए तो गोल गोल हमें ये बनाने के लिए पूरा इसको फिल करना होगा इस तरीके से मैं इसमें काउंटिंग नहीं कर रही हूँ मैं तब तक इसमें यहाँ पे इस तरीके से बनाऊँगी तब तक, तक, तक दे। तो ये यहाँ पे पूरा गोल सर्कल ना बन जाए देखिए इस तरीके से पूरा गोल सर्कल बन रहा है ये देखिए ये गोल सर्कल बन रहा है बनने के बाद अब इसको हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे मैं एक और बना लेती हूँ थोड़ा अच्छे से फिल हो जाएगा ये देखिए मैंने इसे काउंटिंग नहीं की है तो बनने के बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये जो चेन स्टिच है मैं इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर दूँगी देखिए तो मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया ज्वाइंट करने के बाद ये देखिए या तो हम इस तरीके से भी रख सकते हैं इसको जैसे आपको दिखाई दे रहा इसी तरीके से भी रख सकते हैं या फिर हमें क्या करना है इसको सीधा इस तरीके से सीधा इसको ज्वाइंट करना है ये देखिए हमें सीधा रखना है तो क्या करना होगा इसके लिए इस तरीके से करोशे से ये लूप लेते हुए इसको ज्वाइंट कर देंगे इसी का ये बिल्कुल सीधा सीधा बन जाएगा बनने के बाद इसको लॉक करके मैं आपको दिखाई दूँगी और पहले ये देखिए ये देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं और जैसे मैंने बताया था इस तरीके से गोल भी लटक लटक सकते हैं यहाँ पर और सीधा हमें इस सीधा रखना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर ज्वाइंट करके वूल को कट कर देंगे तो आपको जैसे सही लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं मैं इसको वूल को कट कर करके फिर दूसरी साइड भी बना के फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों डोरी में दोनों साइड मतलब डोरी के दोनों साइड यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर राउंड राउंड यहाँ पर लटकन बना दी इस तरीके की प्यारी सी लटकन बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी सी लग रही है और ठाकुर जी पहनेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे तो खाली ना रखते हुए आप इस तरीके सिंपल सी लटकन बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको पहुँचो बनाना बताया और यहाँ पर पर्ल बनाने बताए और साथ में कैप बनानी कैप के साथ साथ पोँचों के साथ साथ कैप बनानी बताई तो और साथ में लटकन बताई तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमारे ठाकुर जी का प्यारा सा पोचो विद कैप तैयार हो गया मैं आशा करती हूँ मैं समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग राधे राधे